पितलाना जनार्दन जो आज हमारी गेस्ट होंगी, वो एक बेहतरीन सितार आर्टिस्ट हैं और साथ में बेहतरीन वोकलिस्ट हैं। लेकिन स्वेतलाना से मुलाकात करने से पहले उनकी जिंदगी की कुछ बेहतरीन सी तस्वीरें देखते हैं और आपको बता दें कि मैंने प्यारी लफ्ज का इस्तेमाल क्यों किया। तो चलिए देखते हैं स्वेतलाना की जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत सी कुछ बेहतरीन तस्वीरें। संगीत सात सुरों का संगम है और इसी संगम के माध्यम से अपनी कला को बयां करती हैं स्वेतलाना जनार्दन। बहुमुखी प्रतिभा की धनी स्वेतलाना सितार वादक होने के साथ साथ एक गायक भी हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इतिहास में पहली महिला सितार वादक का खिताब स्वेतलाना को ही जाता है। इमदाद घराने के स्तंभ पंडित राजीव जनार्दन और डॉक्टर कमला शंकर से इन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी और दिल्ली घराने से ताल्लुक रखने वाले गुरु पंडित मनीष कटारिया से इन्होंने संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। दुनिया भर में परफॉर्म कर चुकी स्वेतलाना ने अपनी मास्टर्स डिग्री रशिया से कंप्लीट की और पिछले 10 वर्षों से वो मॉस्को में म्यूजिक की टीचिंग कर रही है। अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए वो सितार वादकों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है। कला के माध्यम से हिंदुस्तानी तहजीब को एक नया आयाम दिया है स्वेतलाना जनार्दन ने। तो आज हमारे साथ है स्वेतलाना जनार्दन। तो आप समझ गए होंगे कि शुरू में मैंने जो लफ्जों को बांधा था तो उसकी अहमियत को आप समझ गए होंगे, क्या रास्ता उसके पीछे। चलिए वक्त को बिना जाया किए स्वेतलाना से मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। सबसे पहले आप बहुत खूबसूरत लग रही है और आप जो नमस्कार इतने प्यार से बोला और बिल्कुल सही बोला बहुत प्यारा लगा, कैसे लग रही है बताइए। बिल्कुल, आपने तो कह दिया प्यारी और खूबसूरत भी, हम तो कहेंगे प्यारी के साथ साथ आप बहुत खूबसूरत भी हैं और उससे भी एक और खूबसूरती जुड़ी हुई है, स्वेतलाना मतलब ये नाम। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं स्वेतलाना का मतलब क्या होता है, इतना खूबसूरत नाम है। स्वेतलाना ये एक कॉमन रशियन नेम है, इसका मतलब है दोस हु गिव लाइट्स, रोशनी उजलाया, उजला वो वाइट लाइट देने वाले हैं। क्या बात है, इसका मीनिंग ये है। तो लाइट, यू थ्रोइंग लाइट राइट नाउ इन आवर शो। कोशिश नहीं। ओके, दूसरी चीज हम आपसे जानना चाहिए, यू द फर्स्ट रशियन आर्टिस्ट राइट हु हैड मेड अ मार्क इंटरनेशनली। माय सिंपल क्वेश्चन इज हाउ। अब ये आंसर ये होगा कि जो लोग यहाँ आते हैं, हम भी इनमें से आए बहुत साल पहले सीखने के लिए, वो 2-3-5 साल सीखने के बाद चले जाते हैं अपने वतन। कोई भी कारण कई सारे होंगे, लेकिन इनमें से रूस से मैं हुई कि जो यहाँ पिछले 20 साल से सितार पढ़ती हूँ, अभी भी सीखती हूँ, और 20 साल के बाद जो इंसान थोड़ा बहुत जितना बजा पाता है, तो डेफिनेटली इट इज डिफरेंस फ्रॉम दोस हु लर्न कि 5 साल में जो सीखे जाते हैं। इसलिए जब भी मैं विदेश में परफॉर्म करती हूँ तो बिल्कुल ये असर तो आ जाते हैं और लोग भी पूछते हैं कि डेफिनेटली इट शोज दैट यू आर वेरी मच इन दिस प्रोफेशन। हाँ, फिर मैं बताती हूँ कि हाँ 20 साल से तो सीख रहे हैं हम हिंदुस्तान में, और 100 साल सीखेंगे, जितने जिंदगी उतना ही सीखना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात है। इसलिए पीपल ट्रीट कि मतलब हाँ दैट इज रियली प्रोफेशनलिज्म, मेरे को भी ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन स्वेतलाना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी पैदाइश जो है वो रशिया में हुई, ब्रॉटअप जो हुआ वो भी रशिया में हुआ। एट द एज ऑफ 3 यू स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक, दैट टू पियानो। लेकिन बहुत अलग सा लगता है कि एक तरफ आप पियानो सीख रही हैं, दूसरी तरफ यू स्पेशलाइज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये संबंध कैसे जुड़ा, कैसे आया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आपकी लाइफ में? सबसे पहले 3 साल में जब शुरुआत होते हैं बच्चे लोगों के साथ, तो किसी को याद नहीं रहता। तो मेरे पिताजी गिटार प्लेयर थे अपने जमाने में, और उन्होंने फैसला किया कि लड़की में कुछ है, इसी को स्कूल में, म्यूजिक स्कूल में फॉर गिफ्ट चिल्ड्रन दे, जस्ट यू नो पुट मी। और साथ में पियानो सीखते थे, वोकल सीखते थे, बहुत सारे म्यूजिकल सब्जेक्ट्स। धीरे धीरे ये सीखने के बाद हिंदुस्तानी पिक्चर शुरू से मेरे को शौक है। क्या बात है। अब शो के बाद हम लोग चलेंगे एक मूवी देखने। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और खुशी किस्मत ये है कि साउथ की पिक्चर मेरे को शुरू से एकदम एकदम पसंद है, साउथ इंडियन पिक्चर्स। ठीक है, जिसमें शुरुआत में हमेशा
उस जमाने में नहीं पता था कि मंत्र वो ये, लेकिन कुछ मैजिक आवाज आ रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो दैट वाज यू नो एकदम मेरे को ग्रैब कर दिया. तो मैंने सोच लिया ये चीज क्या है, और खूबसूरत लेडीज क्या क्या दिखाते, क्या क्या नाच रहे हैं, क्या क्या सज के घूम रहे हैं, वो फ्रॉम दिस एज. ठीक है, धीरे धीरे फिर पता चला है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल स्कूल्स होते हैं, सितार, वीनर, कई प्रकार की चीज होते हैं. और इट वॉज रियली बिग डिलेमा फॉर मी इनिशियली, जब मैं कुछ 10 11 13 साल की थी, करे तो क्या करे, क्या पकड़ू, क्योंकि सब चाहिए. इट वॉज टीनेजर की बात तो ऐसे ही होता है. धीरे 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 फिर मैंने मतलब पहचान, मतलब मेरे को अंदर से समझना दिल में आए कि हाँ सितार के साथ कुछ है, सितार के साथ बहुत कुछ है. वो आप दिखा भी रही हैं. सितार ना, जब आप आपने सोचा कि अब आपको सितार को ही आगे ले जाना है, जब आप इंडिया आई, तो जैसे आपने शुरू में खुद ही बोला कि कुछ लोग आते हैं 10 साल, मतलब 5 साल 3-4 साल सीख के वापस अपने मुल्क अपने वतन चले जाते हैं, लेकिन आपको हिंदुस्तान की कौन सी चीज ऐसी अट्रैक्ट की कि माशाल्लाह आप 20 साल से यहाँ रह रही हैं और अगले 100 साल रहने का प्लान है? जब मैं आई हिंदुस्तान, तो बहुत लंबी प्लानिंग करी है आपने. देखिए, मैं जब घर से निकली, मैं मेरी अम्मा को बता दी कि अम्मा आई वांट कम बैक. शी से तुम जैसे थी वैसे ही यहाँ भी है, क्योंकि ये कोई बात है, व्हाट डू यू मीन यू विल नॉट कम बैक? बिल्कुल आना. मैं बोला ना ना ना, मेरे को जहाँ जाना वही मेरे वतन. शुरू से पता नहीं क्यों, ठीक है. और उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान आया, जब मैंने देख ली यहाँ क्या हो रहा है, तो आई रियली फील कि यही मेरे जगह और मेरे को सीखना है यहाँ. और मत पूछिए क्यों, क्योंकि कई हर एक देश में प्लस माइनस पॉइंट होते हैं. इनके बारे में क्यों हम बात करेंगे, अपना हिंदुस्तानी संगीत जिंदाबाद, बाकी कुछ देखने ही नहीं. यूनुस सुप्लाना, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, और मुझे लग रहा है कि खुदा आपको जब पैदा कर रहा होगा तो वो इंडिया में ही बना रहा होगा, लेकिन गलती से 4-5 दशकों तुम हिंदुस्तानी थे. मैंने बोल दो पूर्व भी, अभी भी, और आखिरी भी होंगे. तो गलती से आपका वतन चेंज हो गया, लेकिन इंडियन, तो चलिए कोई बात नहीं. अभी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रच बस गई है, और आगे 100 साल के लिए मैं आपको स्वागत करती हूँ अपने वतन के साथ में कि आप यहीं रहिएगा. शुक्रिया, जरूर. If I talk about your inspiration, Svetlana, right, कि हर आदमी की एक inspiration होती है, who is your inspiration as far as classical music is concerned? You won't believe, लेकिन ये जो आप लोगों का सितार का और गाने का एक जो दिल का आवाज होता है, जो दिल को सच में खींच देते हैं, कम से कम मेरे तो खींचा ऐसे कि कोई सीम जिसके नहीं है. तो वही मेरे इंस्पिरेशन. मैं जब भी मेरे गुरुजी लोगों को सुनती हूँ आवाज, वही वही मेरे इंस्पिरेशन लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस यही आवाज, मतलब हमेशा बस गुंजाइश, मतलब इसका साउंड हमेशा वो आवाज आपके कानों में पड़ती है. दिस इज रियली वेरी बिग इंस्पिरेशन. जब गुरुजी लोग बजाते हैं, गुरुजी लोग गाते हैं, जवाब नहीं. दैट इज रियली द साउंड इटसेल्फ ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. आप जिस तरह से आप अपने एक्सप्रेशंस दिखा रही है ना, वो ज्यादा आपके उसमें जेस्चर्स में दिखाई दे रहे हैं, और इतना खूबसूरत सा आपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है. तो कुछ हमें एक टुकड़ा अगर आप सुनाएंगी, सुबह का वक्त है तो हमारे व्यूवर्स भी सोच रहे होंगे सुप्लाना बातें तो बहुत अच्छी करती है, बजाती कितना अच्छा है, ये भी देख लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा आलाप अहिर भैरव का, सुबह का टाइम, ठीक है, तो अहिर भैरव थोड़ा सा.